हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। तो जो होमोजेनियस फंक्शन होता है, होमोजेनियस फंक्शंस के हर एक टर्म की जो डिग्री होती है सेम। जैसे यहाँ पे एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। सेम हो भी कितनी है, दो। यहाँ पे डिग्री कितनी है, दो है। ठीक है ना, तो हर टर्म की डिग्री दो है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहलाएगा जब एफ एक्स वाई की डिग्री और जी एक्स वाई की डिग्री क्या हो, सेम हो। डिग्री ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स वाई। तो ऐसे केस में क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस पूरे को जो है हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वी एक्स और जी एक्स कमा वी एक्स। जैसे ही आप ऐसा करके सॉल्व करेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के फर्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो भी और एक्स के रूप में दिखाई देगा, भी और डी भी एक साइड हो जाएगा, एक्स और डी एक्स एक साइड हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अब नंबर आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, जहाँ पे पी क्यू दोनों एफ एक्स ओनली, मतलब पी और क्यू जो है एक्स के ही फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि P और Q जो है वो X के ही फंक्शन हो, ठीक है, तब ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा इन Y। और यह भी फॉर्म हो सकता है dx एक्स बाई डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, लेकिन यहाँ पे P और Q केवल और केवल Y के फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए पहले पहला फॉर्म देख के देखते हैं। पहला फॉर्म स्टूडेंट्स है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। ऐसे केस में क्या करते हैं, निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो हम सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं वाई इंटू, स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर, ठीक है। फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्या है स्टूडेंट्स उसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कि क्या होता है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कोई अब जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वही इस फॉर्म में होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो फॉर्म का होता है, ठीक है। तो अब यम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये एग्जैक्ट कब होगा, जब डेवाइन अपान डेवा वाई इज इक्वल टू डेवाइन अपान डेवा एक्स होगा, तो ये एग्जैक्ट होगा। डेवाइन अपान डेवा वाई इज इक्वल टू डेवाइन अपान डेवा एक्स, मतलब यम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, एन को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। अगर ऐसा इक्वल आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन होता है इंटीग्रेशन, सोल्यूशन स्टूडेंट्स से क्या होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ये इसका जो है सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है इसका सोल्यूशन, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसी बात है। तो फिर इस जो सोल्यूशन है यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसके बारे में क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है ओके, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यम को जब हम डिफरेंस इंटीग्रेट सॉरी यम को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, यम को जब हम लोग सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा बता देते हैं इनको करो, ठीक है ओके। तो स्टूडेंट्स जब यम को हम इंटीग्रेट करेंगे, याद रखिएगा, तो यम को इंटीग्रेट करेंगे जो है, है ना, कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वो एम में एम को इंटीग्रेट करेंगे कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, और जब एन को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो एन के केवल वे ही टर्म लिखेंगे जो फ्री फ्रॉम एक्स होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट्स जैसे यह है
कि अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू हमारे पास है, ठीक है, मान लीजिए कि n इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, मान लीजिए यह टर्म है, ठीक है, यह हमारे पास जो है n इक्वल टू है, ठीक है स्टूडेंट्स, यह हमारे पास n इक्वल टू है, क्या है देखिए, n इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस का एक्स वाई प्लस का मान लीजिए वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसमें n के स्थान पर क्या लिखेंगे, n के स्थान पर इसमें केवल वे टर्म लिखेंगे, वह टर्म लिखेंगे जो फ्री फ्रॉम x होगा। तो पहले में भी x है, दूसरे में भी x है, हम क्या करेंगे, यही जो टर्म है आपका वाई स्क्वायर वाला, यही n के स्थान पर केवल लिखेंगे, तो लिखा है ये फ्री फ्रॉम x, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। आइए, जैसे क्या होता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो को जब देखते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करने पार्शली, एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने पार्शली, अगर आपका ये रिजल्ट सेम आता है, बोलते हैं आपका जो है वो आपका एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रॉपर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके जो है, प्रॉपर फंक्शन का क्या करके मल्टीप्लिकेशन करके जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ नियम आपको दिए गए हैं, अगर कहीं पर मान लीजिए कहीं पर एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स दिख जाए, तो ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं होता। देखिए आप एक्स डी वाई और माइनस का वाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे ही जीरो करेंगे आप, जैसे ही जीरो करेंगे आपको क्या मिल जाएगा मालूम स्टूडेंट्स, आपको यम की वैल्यू मिल जाएगी माइनस की वाई और एन की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी एक्स। तो अब जब यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का वन आएगा, और एन को जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा। तो इक्वल नहीं है इसलिए आपका ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब इसी में वन अपन एक्स स्क्वायर से या वन अपन वाई स्क्वायर से या वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एग्जैक्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है ना, यह इक्वल टू जीरो करके देखिए, है ना, अब ये एग्जैक्ट जो है बन पाता है कि नहीं बन पाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, अगर नहीं दिखाई देगा तो हम वन अपन एक्स वाई टू द पावर एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वैसा ही हाल एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर एन रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पे यह दिखाई दिया टर्म, यह टर्म केवल दिखाई दिया और भी टर्म रहे और यह भी टर्म दिखाई दे, तो ऐसे जहाँ यह टर्म दिखाई देगा वहाँ पर अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर एन, एन जो उसका आर्डर हो जाएगा या डिग्री सॉरी एन जो उसका आर्डर हो जाएगा उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मालूम चल जाएगा आपको वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर है, केस फोर है, अगर मान लीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो मिला है हमको, ठीक है, और यम और एन दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो, किसके है ना, होमोजीनियस फंक्शन हो, सेम डिग्री के सेम ऑर्डर के होमोजीनियस फंक्शन हो, और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वन अपान एम एक्स प्लस एन वाई ही क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसी केस में स्टूडेंट केस नंबर फाइव है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो वन अपान एम एक्स माइनस एन वाई जो होगा वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप सभी लोग बीएससी सेकेंड ईयर का आप कैलकुलस स्टूडेंट्स उठा लीजिएगा, है ना, कैलकुलस उठा लीजिएगा, और कैलकुलस उठाकर किताब कैलकुलस की बुक जो डिफरेंशियल इक्वेशन उठाकर वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर का जितनी फॉर्मेट है या इंटर की बुक में भी आपको मिल जाएगा, उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। मैं यहाँ जनरल बातें ही करके आपसे निकलता हूँ, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।